तो भाई दिवाली आने वाली है, तो सबसे पहले इस दिवाली गो ग्रीन। और क्योंकि दिवाली श्रीराम की अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है, मैंने सोचा कि आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म जो पिछले 30 सालों में रामायण पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म है। नहीं, ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एनिमे फिल्म की, जो कि ऑनेस्टली आदि पुरुष फिल्म को कई सारे सबक सिखा सकती है और जिस फिल्म को मेरे जैसे मिलेनियल और कई जेन जी बच्चे देखते हुए बड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर हम सब हर दिवाली पर इस फिल्म को देखते हैं, लेकिन क्या आप इस फिल्म की पूरी स्टोरी जानते हैं कि कैसे एक जैपनीज आदमी के भारत प्रेम की वजह से ये फिल्म बनी, कैसे ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर व्हाइट ने श्रीराम का रोल प्ले किया, कितनी मुश्किलों के बाद जाकर ये फिल्म बनी, कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म के नाम पर इस फिल्म को सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो आज हम सब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में ये फिल्म हमें क्या सिखाती है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज के ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आप ये जान सके कि इस दिवाली आप 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस कैसे जीत सकते हैं। और श्याम शर्मा शो का दिवाली के मौके पर नया मर्च लॉन्च हुआ है, तो हमारे दिवाली का स्पेशल श्रीराम का डिजाइन और हनुमान जी का डिजाइन जरूर चेकआउट करें, और हमारा दिवाली का स्पेशल मैसेज दिस दिवाली गो ग्रीन का भी डिजाइन जरूर चेकआउट करें। अगर आप ये डिजाइन पाना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर तक श्याम शर्मा शो का एक स्पेशल प्रमोशन है। अगर आप नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके कोड SSS दिवाली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके परचेजेस पर मिलेंगे 15% ऑफ। तो आज ही लिंक पर क्लिक करके हमारा दिवाली स्पेशल मर्चेंडाइज चेकआउट करें। तो जब भी हम लोग भारत में रामायण से रिलेटेड किसी मीडिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो पिक्चर्स हमेशा आती हैं, पहली ये और दूसरी ये। और ये जो साल है 2022, ये भारत और जापान के लिए बहुत खास साल है क्योंकि ये साल भारत और जापान के रिलेशंस की 70वीं सालगिरह है। तो इस सालगिरह को मनाने के लिए मशहूर एनिमे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम का 4K रीमास्टर भी रिलीज किया जा रहा है। तो 1990s और 2000s के दशक में जो लोग भी बड़े हुए हैं वो शायद इस एनिमे को जानते हैं, और मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग इस एनिमे से प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाँ भाई, आज भारत में एनिमे बड़ा पॉपुलर है, लेकिन 1990s के दशक में जब 95% इंडियंस को पता भी नहीं था कि एनिमे क्या होता है, तब रामायण पर एक एनिमे फिल्म बनी कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है 1983 से, जब मशहूर जापानीज डायरेक्टर युगो साको भारत में बीबी लाल के राम मंदिर के एक्सकेवेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। वहां पर आके उन्हें रामायण के बारे में पता चला और उनको रामायण की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कई सालों तक रामायण पर रिसर्च की, यहां तक कि रामायण के 10 वर्जन भी पढ़ डाले। और रामायण से अपना प्यार जाहिर करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान के एनिमे स्टाइल में एक रामायण पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ये फिल्म बनाने के लिए उन्होंने विख्यात भारतीय एनिमेटर राम मोहन जी के साथ कोलैबोरेशन किया और भारत और जापान के 450 आर्टिस्ट का इस्तेमाल करके इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म से ऐसे एनिमेटर्स भी जुड़े हुए थे जिन्होंने हायाओ मियाज़ाकी की स्टूडियो गिबली के साथ भी काम किया है, जिन्होंने वर्ल्ड फेमस माय फ्रेंड टोटोरो और स्पिरिटेड अवे जैसी एनिमे फिल्में भी बनाई हैं। इस फिल्म को बनाने में 1,00,000 हैंड ड्रॉन सेल्यूलॉइड पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है और 9 साल की डेवलपमेंट के बाद और 800 मिलियन येन यानी अराउंड 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस फिल्म को फाइनली 1992 में फिनिश किया गया। इस फिल्म को बनाने में कृष्णा शाह भी जुड़े थे जिन्होंने हॉलीवुड में $6 मिलियन मैन और द मैन फ्रॉम अंकल जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। कृष्णा शाह जी ने बताया कि हॉलीवुड में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो भारतीय कल्चर से इंस्पायर हुए हैं। उनका ये मानना था कि स्टार वॉर्स भी रामायण से इंस्पायर हुआ है, जहां पर लूक स्काईवॉकर श्रीराम के काफी सिमिलर कैरेक्टर है। डार्थ वेडर भी रावण से काफी सिमिलर है कि रावण की तरह डार्थ वेडर में एक महान जेडाई होने का बहुत पोटेंशियल था, लेकिन उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि वो एक महान जेडाई बनने के बजाय एक राक्षस सिथ बन गया। और कृष्णा शाह का ये भी मानना था कि चुबाका कैरेक्टर हनुमान जी से इंस्पायर होकर बनाया गया। कई ऐसी फिल्में हैं हॉलीवुड में जो भारतीय कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप अवतार फिल्म को देखें तो उसके जो एलियंस हैं नावी, वो तो भाई भारतीय देवी देवता जैसे दिखते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से स्पिरिचुअली और कल्चरली पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनिशियली ये जो रामायण की एनिमे थी, इसको बनाने में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन ये फिल्म राम जन्मभूमि
मूवमेंट के समय पर रिलीज होने वाली थी और उसी समय पर बाबरी मस्जिद भी गिरी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि हम हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ये फिल्म बिना इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से पूरी तरह से जापान में प्रोड्यूस की गई और TEM स्टूडियोज नाम की एक कंपनी ने इस फिल्म को फाइनेंस किया। और लोगों का माना जाता है कि गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से 1993 में कंप्लीट होने के बजाय ये फिल्म 1997 तक रिलीज नहीं हो पाई। कमाल की बात तो ये है कि राम के नाम नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि खाली राम भक्तों को और राम जन्मभूमि मूवमेंट को गरियाती है, उसको 1993 में रिलीज होने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस एनिमे को नहीं रिलीज होने देंगे। एक ऐसी ही प्रॉब्लम दूरदर्शन की चाणक्य टीवी सीरीज के साथ भी हुई थी, जिस सीरीज का भारत के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिस सीरीज को बनाने में चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने 9 साल तक रिसर्च की थी, लेकिन दूरदर्शन ने इस सीरीज को सिर्फ 47 एपिसोड्स के बाद ही बंद कर दिया था क्योंकि कुछ लोगों ने इस सीरीज को हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर दिया। तो इस सीरीज को बंद कर देंगे क्योंकि ये हिंदुत्व प्रोपेगेंडा है, लेकिन टीपू सुल्तान जैसी सीरीज चलती रहेगी क्योंकि भैया उसमें तो कोई प्रोपेगेंडा है ही नहीं। इतने मादरणीय है ना हम लोग कि क्या बताऊं मैं। और कमाल की बात तो ये है कि अफवाहें कुछ ऐसी थी कि चाणक्य सीरीज को लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट सागरिका घोष जी के पिताजी भास्कर घोष जी ने कैंसिल किया था। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। और अगर देखा जाए तो ये जो एनिमे फिल्म है इसकी भी कहानी राम मंदिर की कहानी से काफी मिलती है। राम मंदिर मूवमेंट को भी डिफेम किया गया था, उसका नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से राम मंदिर बनने में कई सालों का डिले आया। उसी तरह से इस मूवी को भी डिफेम करके इसका नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से इस मूवी के रिलीज होने में काफी डिले हुआ। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को कई सालों के बाद फाइनली न्याय मिला, उसी तरह से इस फिल्म को भी न्याय मिला जब इस फिल्म के राइट्स कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिए। और नेटवर्क के खरीदने के बाद ये फिल्म करोड़ों हिंदुस्तानियों के घर में गई और इस फिल्म ने करोड़ों मिलेनियल और जेन जी बच्चों की भगवा पिलिंग की। तो आइए इस फिल्म की बात करते हैं। साको जी को रामायण और इंडियन कल्चर के बारे में ये पसंद था कि कैसे भारतीय कल्चर नेचर का रिस्पेक्ट करता है और नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता है, और इस फिल्म के हर एक सीन में आप वो रिस्पेक्ट देख सकते हैं। और 1990s के दशक में रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म का एनिमेशन आप देखिए कितना हाई क्वालिटी है, और रामायण जैसी एक लंबी और सघन स्टोरी को कितनी खूबसूरती से डायरेक्टर्स ने एक 2 घंटे की फिल्म में पिरोया है, और उसके बावजूद सारे मेजर स्टोरी पॉइंट्स को हिट किया है, जो कि बिल्कुल भी एक आसान काम नहीं है। और वॉइस एक्टर्स आप देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें यूज किए हैं। इस फिल्म की हिंदी वर्जन में नरेशन किया है शत्रुघ्न सिन्हा ने, रावण का रोल प्ले किया है महान बॉलीवुड एक्टर अमरीश पुरी जी ने, श्रीराम का रोल प्ले किया है रामानंद सागर के रामायण टीवी सीरीज के श्रीराम अरुण गोविल जी ने, और इस फिल्म का जो अमेरिकन वर्जन रिलीज हुआ था उसकी नरेशन की है जेम्स अर्ल्स जोन्स ने, जिन्होंने डार्थ वेडर का रोल प्ले किया था। I am the master. और श्रीराम का रोल प्ले किया है ब्रायन क्रैनस्टन ने, जी हाँ ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर व्हाइट यानी हाइजनबर्ग ब्रायन क्रैनस्टन ने। Say my name. कैरेक्टर डिजाइन्स भी देखिए कितने कमाल के हैं, सारे कैरेक्टर्स को कितना यूनिक लुक दिया गया है। और मुझे मेघनाथ का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेघनाथ के साथ इन्होंने लगता है सबसे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम ली है, क्योंकि इनको पता था कि बाकी डिजाइन्स के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, और उनको सही मायने में एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखाया है। और इस फिल्म के गाने क्या कमाल के हैं, चाहे पंचवटी मन भावन उपवन हो, चाहे श्री रघुवर की वानर सेना हो, और मेरा पर्सनल फेवरेट जननी में रामदूत हनुमान हो। आज भी इन गानों को सुनकर नॉस्टैल्जिया मुझे ब्रॉक लेसनर के F5 की तरह लगता है। और ये फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के कैरेक्टर को भी बहुत खूबसूरती से दिखाती है, लेकिन श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बनाता है, क्या है वो गुण? इस दिवाली आप उन गुणों के बारे में सीखिए और वर्जिन केजरीवाल की तरह ओनली फैंस को ज्वाइन करने के बजाय गीगा चैट बनिए और ज्वाइन कीजिए कुकू FM, जो है भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं हिंदी में, इंग्लिश में और कई भारतीय रीजनल लैंग्वेजेस में, जिसमें आप सुन सकते हैं आज की ऑडियो बुक पवित्र रामायण की 11 सीखें, जो आपको श्रीराम के सबसे अच्छे गुणों के बारे में सिखाता है, ताकि आप भी श्रीराम की तरह एक गीगा चैट बन सकें। और इस ऑडियो बुक को पाने के लिए कुकू FM लाया है आपके लिए एक स्पेशल दिवाली ऑफर। अगर आप कुकू FM पर जाकर साइन अप करते हैं, यूज करते हैं कोड दिवाली 50, आपको मिलेगा आपकी सब्सक्रिप्शन पर 50%
ऑफ यानी रुपीज 399 की मेंबरशिप की बजाय आपको आपकी मेंबरशिप मिलेगी सिर्फ रुपीज 199 पर ईयर में। उसके साथ साथ आप मौका पा सकते हैं 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स पाने का, इंक्लूडिंग एक गाड़ी, गोल्ड कॉइन्स, गिफ्ट वाउचर्स और कई अलग गिफ्ट्स। ऑफर सिर्फ 25th अक्टूबर तक वैलिड है, क्योंकि उसके बाद सब्सक्रिप्शन का प्राइस वापस रुपीज 399 पर ईयर हो जाएगा। तो जल्दी करें। और आइए फिर से इस एनिमे फिल्म की बात करते हैं। ये फिल्म देखिए परफेक्ट नहीं है, कुछ डायलॉग्स हैं इस फिल्म में जो थोड़े से ऑकवर्ड हैं, कुछ जो सीन ट्रांजिशंस हैं वो थोड़े से अब्रप्ट अचानक हो जाते हैं, लेकिन दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसा होने के बावजूद पिछले 30 सालों में रामायण पर जो भी मीडिया बनाया गया है उसका ये फिल्म गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ये भारत के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड रामायण के ऊपर पिछले 30 सालों में फिल्म बनकर आई है वो इंडियन फिल्म नहीं है, जापान से बनकर आई है। और चाणक्य सीरीज के निर्माता चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने एक बार कहा था कि भारत का कल्चर, भारत के लिटरेचर को भारत से ज्यादा बाहर वाले एंजॉय करते हैं, क्योंकि भारत के लोगों के दिमाग में एक ऐसी सड़न है जिस वजह से उनको अपने ही कल्चर से नफरत हो जाती है। और हम सब इस सड़न के बारे में जानते हैं। हम एक ऐसे इंडिया में बड़े हुए हैं जहां पर भारतीय कपड़े पहनना कूल नहीं होता है, बड़ों के पैर छूना क्रिंज होता है, लोगों को नमस्ते करना तो इस सो मिडिल क्लास यार मोनिशा, और अपने कल्चर से जुड़े होने से बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। और इस तरह की चीजों को पिछले 2 दशक में जो करण जौहर की फेमस फिल्में रही हैं उन्होंने भी पॉपुलराइज किया है। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओह कम ऑन दादी। और महान सोशल रिफॉर्मर आमिर खान जी ने भी हमें यही सब दिखाया है। You know, I feel religion is a very personal issue. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings. अबे साले। लेकिन इस रामायण फिल्म जैसी फिल्मों की वजह से कितने लाखों करोड़ मिलेनियल और जेंजी बच्चे हैं जो अपनी कल्चर से जाकर जुड़े हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने इस फिल्म की 4K डिजिटल रीमास्टर की है वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो नीचे लिंक पर दिए इस फिल्म की वेबसाइट पर जाएं और स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए अप्लाई करें। और देखिए, जिस साल ये फिल्म का 4K रीमास्टर निकलकर आ रहा है उस साल मैं चाहता हूं कि यह समय बिल्कुल सही है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को रियलाइज करना शुरू करें। ह्यूगो साको जी जिन्होंने इस फिल्म को बनाया वो भारतीय कल्चर से रिलेटेड और भी कई फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस समय पर वो एक श्री कृष्ण की एनिमे फिल्म बनाने पर काम कर रहे थे उस समय पर 2012 में उनका निधन हो गया। आज तक भारतीय गवर्नमेंट ने ह्यूगो साको जी को ऑफिशियली कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दी है। अगर भारतीय गवर्नमेंट उनको धन्यवाद देना चाहती है तो उनकी जो इनकम्प्लीट श्री कृष्ण जी की फिल्म है उसको फंड करके, उसको बनवा के सही मायने में ह्यूगो साको जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं यार, हमने देखा है कि प्राइवेट स्टूडियोज भी हैं जो भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना इस तरह के और प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए और एनिमे स्टूडियोज के साथ काम करके डेवलप किया जाए। हाँ, मैं जानता हूं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टाइम और एफर्ट बहुत लगता है, तो भैया अक्षय कुमार जी तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने चाहिए, और खासकर एनिमे में, क्योंकि आजकल एनिमे इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, जेन जी को बड़ा पसंद है, तो उनकी भगवा पिलिंग भी बड़ी जोर से होगी। और सिर्फ भगवा पिलिंग के लिए ही नहीं, इस तरह के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक फायदा और पॉलिटिकल फायदा भी होता है। आप देखिए कि कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे देश कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में, चाहे के-पॉप हो, कोरियन ड्रामास हो, चाहे जापान का एनिमे हो, जापान की हॉरर मूवीज हो, और ऑब्वियसली हॉलीवुड की फिल्में हो। इन प्रोजेक्ट से ना सिर्फ इन देशों में बहुत पैसा आता है, लेकिन इन देशों का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ता है। इन देशों के कल्चर के लिए जो दुनिया में रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है। और मेरा तो ये मानना है कि भाई इंडिया का जो सॉफ्ट पावर का पोटेंशियल है वो इन तीनों देशों से ज्यादा है। और मोदी गवर्नमेंट ने हाल में बात भी की है कि कैसे वो भारत का सॉफ्ट पावर और डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने बात की है कि कैसे इंडियन कल्चर से रिलेटेड वीडियो गेम्स हमें डेवलप करने चाहिए। मोदी गवर्नमेंट भारत के शक्तिपीठों की भी रेनोवेशन कर रही है और सारे शक्तिपीठों के बीच में टूरिज्म और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जैसे भारत अपनी इकोनॉमिक ताकत को दुनिया में बढ़ा रही है, ये समय बिल्कुल परफेक्ट है अपनी कल्चरल पावर को भी पूरी दुनिया में बढ़ाने का। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय कल्चर से जुड़ी किस तरह की एनिमे फिल्म देखना चाहते हैं, अगली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आप तो जानते ही हैं कि राम मंदिर के जजमेंट के बाद श्री राम घर वापस आने वाले हैं, और इस घर वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए पिछले साल महाराष्ट्र के खारघर में कुछ वॉलंटियर्स ने मिलकर 15,000 दिए जलाए थे, और इस साल वो उस
रिकॉर्ड को एक बड़ी मात्रा में तोड़ना चाहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव और राम मंदिर बनने की खुशी में 75,000 दिए जलाकर। इस ग्रुप का नाम है दिया फॉर यूनिटी। अगर आप इस ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको जाकर जरूर सपोर्ट और मोटिवेट करें। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर फॉर्म्स भी दिए गए हैं कि कैसे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुकू एफएम को जरूर ज्वाइन करें, अपना 50% डिस्काउंट जरूर पाएं। याद रखें, ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक मौजूद है, तो जल्दी करें। Now, there's no time, quickly. और शाम शर्मा शो का दिवाली रिलेटेड मर्च नीचे क्लिक करके जरूर चेकआउट करें और कोड SSS दिवाली का इस्तेमाल करके 15% ऑफ पाएं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सकल प्रणाम।